नमस्कार दर्शक बंधु, मैं दीपक होलीवाल, आप देख रहे हो लविंग लवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होगे, अपना अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे होगे दोस्तों, और बढ़ सकते अपने भाई। तो भाई आज मैंने कॉलोनी में एंट्री मारी है, तो भाई मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ, तो भाइयों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आई इन्फॉर्मेशन है। ये जो आई इन्फेक्शन हो जाता है ना बर्ड्स के आँखों में, जो पानी बहने लगता है गाइस, ये कैसे कैसे हो जाता है। तो भाई मैं यही बताना चाह रहा था कि ये किस किस चीज़ों से बर्ड इन्फेक्शन हो जाता है, जो आपके लव बर्ड में के पैरों में आइज इन्फेक्शन हो जाता है। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी गाइस, और लाइक भी करना छोटा सा भाई, सपोर्ट करो। तो भाई चलते हैं उस टॉपिक पे जो आंखों की परेशानियों है, बहुत से भाई परेशान होते हैं अपने लव बर्ड पे, और लव बर्ड पालना ही छोड़ जाते हैं, बर्ड्स पालना ही छोड़ जाते हैं। तो भाई ये जो बर्ड्स हैं इनमें इन्फेक्शन आया हुआ था, ये काफ़ी ठीक हो गया अभी, इसको 2-3 दिन हो गए, मैं कोई आईड्रॉप नहीं डाला इसको, बस ऐसे मैंने छोड़ दिया है केज में। ये इसलिए इसको इधर बिठाया है क्योंकि येलो प्लस है, ये एक सूरज का काम करता है, विटामिन ई का गाइस, इससे आँखों में बहुत जल्दी ठीक होने का चांस है गाइस। विटामिन ई की कमी से भी हो जाता है इनके आँखों में इन्फेक्शन। बाकी ये पैर दिख रहे होंगे गाइस, ये पट्टे है गाइस, इनमें भी इन्फेक्शन आ रखा है। बाकी इस केज में 4-5 पट्टे थे, काफ़ी ठीक हो गया है वो, जिनमें से एक ही है, दो ये है। तो गाइस ये येलो वाले दिख रहे होंगे, ये आगे ये दोनों की आंखों में इन्फेक्शन आ गया। ये कभी छोड़ा है मैंने, राइट वाला और लेफ्ट वाला, कल परसों छोड़ा था, वो भी ठीक है गाइस। बाकी एक ये वाला है, इसकी आंखों में भी इन्फेक्शन है, बाकी ये ठीक हो गया है, इसलिए मैंने एक एक करके कई कॉलोनी में छोड़ दिया है। बाकी ये मेरे कुछ पट्टे हैं, इनमें भी इन्फेक्शन आया था, यहाँ 5 पीस थे जिसमें से 3 पीस है, और 2 पीस मैंने बाहर निकाल दिए हैं। नहीं गाइस 4 पीस है इसमें, दो एक पीस मैंने बाहर निकाल दिया। एक एक करके गाइस मैं इनको एक एक करके छोड़ रहा हूँ, और चेक कर रहा हूँ कि 2-3 दिन अगर मैं इनकी आंखों में ड्रॉप वगैरह नहीं डालूँगा तो क्या रिएक्शन होगा। और बाकी में भाई काम कर रहा है ये, क्योंकि हम डालते चले जाते हैं, हमें पता नहीं लग पाता आँखों का, इनकी आँखें ठीक हो रही है नहीं हो रही है, ज़्यादा डालने से भी नुकसान हो जाता है गाइस। तो भाई चलिए उस बात पे कि आँखों में इन्फेक्शन कैसे हो जाता है गाइस। अगर आप नए पैर लेके आते हो, कुछ पट्टे लेके आते हो किसी भाई के कॉलोनी से या मार्केट से, और आप उस कॉलोनी में घुसते हो, और उस कॉलोनी में घुसते हो, अगर आपको कभी भी उस कॉलोनी में से नहीं लेना जिसमें कोई भी बर्ड्स कि आँखों में इन्फेक्शन हो रहा हो, क्योंकि एक बर्ड्स के होता है तो वहाँ की पूरी कॉलोनी में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ से कोई परचेज नहीं करना गाइस। अगर आप परचेज भी करते हो तो कॉलोनी से, अपनी कॉलोनी से अलग रखिए, और आई ड्रॉप वगैरह जो मैंने वीडियो बनाई थी बोरिक एसिड वाली कि कैसे यूज़ किया जाता है आई ड्रॉप, वो देख के आप देख सकते हो। और बाकी में आप अगर आप किसी की भाई कॉलोनी में जाते हो, एक तो वहाँ से आप वायरस लेके आते हो, अगर आप किसी कॉलोनी में गए और वहाँ पे कोई वायरस होता है वो आपके साथ लग के, अगर आपने बर्ड परचेज भी नहीं करे तो आप बस देखे आपने उस कॉलोनी में घुस के, तो वहाँ से भाई आपको इन्फेक्शन का वायरस होता है जो आपकी बॉडी में से टच होके आ जाता है कपड़ों में, तो गाइस। और आप फिर उस कॉलोनी दूसरे भाई की कॉलोनी से अब फिर अपने कॉलोनी में जाते हो बगैर हाथ मुंह धोए, और फिर जो वहाँ का वायरस होता है गाइस वो आपके कॉलोनी के बर्ड्स में भी वो ही वायरस आ जाता है। अगर आप किसी कॉलोनी में जाते हो तो भाई वहाँ से आने के बाद अपने मुंह हाथ धो लेना चाहिए गाइस डिटोल से, या नहा लेना चाहिए, फिर घुसना चाहिए अपनी कॉलोनी में गाइस। इससे ये रहता है कि वहाँ का अगर वायरस भी आ जाता है तो वो नहाने से ख़त्म हो जाता है, तो आपके कॉलोनी में कोई वायरस नहीं आएगा। एक तो यहाँ से हो जाता है गाइस, और एक बर्ड अगर हेल्थी ना होता, उसको पतला है बर्ड, उसके शीप आ रखी है और एक्टिव नहीं है,
तो वहाँ से भी इन्फेक्शन होने का डर होता है गाइस, क्योंकि बॉडी अगर आपकी कमज़ोर होगी तो तरह तरह की बीमारियाँ घेर लेगी आपके बर्ड्स को, तो वहाँ से भी आई इन्फेक्शन हो जाता है गाइस। और एक आप जो कॉलोनी में गंदगी रखते हो, ज़्यादा गंदगी गाइस, आप देख रहे हो मेरे कॉलोनी में हल्की गंदगी है क्योंकि सर्दी है, गर्मी में तो एकदम क्लीन रहती है तो इतनी चल जाती है, मगर आपके कॉलोनी में इतनी कूड़ा पड़ा हुआ है और आप सफाई नहीं कर रहे, मच्छर ही मच्छर हो रहे हैं, तो वहाँ से भी आई इन्फेक्शन हो जाता है गाइस। ये जो तीन चार चीज़ों से आपके बर्ड्स में आई इन्फेक्शन हो जाता है, और आप अगर किसी भी बर्ड्स को आप टच करते हैं आई इन्फेक्शन वाले बर्ड्स को, तो भाई उसको सीधा हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए, ये ग्लव्स का यूज़ कर लेना चाहिए। मैं डेली इस ग्लव से ही बर्ड्स को पकड़ता हूँ, जिससे कि उनका वायरस मेरे में नहीं लगता हाथों में, और मेरा वायरस उनके बॉडी में टच नहीं होता, क्योंकि हम जब दो तीन बर्ड पे आई इन्फेक्शन होता है तो हम उसी हाथ से एक बर्ड को वो दवाई लगाते हैं बोरिक एसिड से, उसके आइज़ क्लीन करते हैं, फिर उसी हाथ से दूसरी रुई लेके फिर दूसरे बर्ड्स का एक इन्फेक्शन का ये ट्रीटमेंट करते हैं दूसरे बर्ड से भी। तो भाई ग्लव्स पहन के बहुत ही ज़रूरी है कि ये ग्लव पहन के करना चाहिए गाइस, अगर आप ग्लव्स पहन के नहीं करें तो आपका आइज़ इन्फेक्शन वाला बर्ड जल्दी ठीक नहीं होगा। ग्लव्स से बहुत ज़्यादा सेफ्टी होते हैं गाइस, इन चीज़ों से भाई आइज़ इन्फेक्शन होता है। बाकी आप अच्छे बर्ड्स ले लीजिए अगर आप कहीं से परचेज़ करते हो तो गाइस, भाई की कॉलोनी में देख लो कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर वहाँ से आप कॉलोनी में अपनी कॉलोनी में ना ला के अपने कॉलोनी से थोड़ी दूर रखिए उस केज को, 1 महीने के लिए डीवॉर्मिंग कराइए उसको, जो वो होता है फिटकरी के पानी से नहलाइए, और भाई इनकी मेडिसिन दीजिए एंटीबैक्ट 2-4 दिन, और जब एंटीबैक्ट आप दवाई देते हो तो उसके 2-3 दिन के बाद भाई लीवेन 52 देना चाहिए हमेशा, क्योंकि भाई ये जो हम एंटीबायोटिक या विटामिन कैल्शियम की ये प्रोवाइड करते हैं लिक्विड, इनके बाद इनसे इनका ये होता है कि गाइस इनका जो भूख पाचन क्रिया होती है कम हो जाती है ये पीने के बाद, तो भाई उसके बाद आप लीवेन 52 भी दीजिए इसके साथ, तो बर्ड आपका एकदम एक्टिव रहेगा। तो भाई बताना कि वीडियो कैसी लगी गाइस, कमेंट में बताना, ज़्यादा लंबी हो गई तो भाई सॉरी इसलिए, और भाई अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताओ गाइस, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय गाइस।